में आप जो डांस का सीन है या गाने का क्या है वो थोड़ा सा देखा है? डांस का सीन नहीं है, गाने का सीन है। फाउंडर्स डे पे हर साल एक इवेंट होता है और इस बार वीना जी गाने वाली थी पर उनका गला इतना खराब हो गया तो जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरी वजह से ही ये चीज़ हुई है। तो बस कुछ अरेंज नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें बहुत बिगड़ गई, कोई नहीं था तो लास्ट में घूंघट में मुझे ही उतरना पड़ा। घूमते वाली दुल्हन चांद, वो तो आप जब आप देखेंगे एपिसोड तब आपको पता चलेगा, सब बता दूंगी तो आप देखेंगे क्या। तो बस कहीं ना कहीं मैं हूँ, हंसिका है, बस हम दोनों हैं। कौन गा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, वो आपको एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। अब मैं बता नहीं सकती कि हंसिका ने गाया गाना या मैंने गाया है, क्या हो रहा है, कुछ प्ले किया, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये गाना सबकी नहीं गाया है, पर जो गाने का जो प्ले है वो हंसिका लेके जा रही है जी, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं। Okay. मैं बैक सिंगर हूँ, बैक स्टेज सिंगर। तो आपसे जानना चाहेंगे इस बार फिर कंपनी ने संभाल लिया अक्षय शाकुमार की जी, तो कितनी दिक्कतें आने वाली है आगे, आगे क्या क्या फेस करना पड़ेगा? दिक्कतें ना आए इसीलिए ये चीज संभाली है थपकी ने मैंने, और जिस तरह सबको ही पता है वीना जी को थपकी बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ माई स्टैमरिंग प्रॉब्लम, उसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मैं घूंघट के बिना आऊँ और स्टेज पर परफॉर्म करूँ। आपके आने से पूरब को भी झटका लगा है, आपको देखते ही वो कहीं दूर मतलब पीछे चले गए स्टेज के, तो वो क्या चल रहा है? देखा ही नहीं पूरब ने मुझे, शिट। या थैंक यू।